गाइस, मैं अभी रूम में अपने एंटर किया और मैंने देखा मेरे रूम का हालत ही है। ये बेड पे पूरा लकड़ी का।อันนี้เขาเรียกอะไรไหนอ่ะอันเนี้ยขนมกุ้ยช่ายขนมขนมกุ้ยช่ายมันมีแบบกลมกับหมูแล้วแต่ยังเรียนHello. हे गाइस, दिस इज़ विकी और मैं जस्ट आज ट्राई कर रहा था ASMR वीडियो बनाने का। तो वैसे ही मतलब मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है ये करने का, क्योंकि खा करके मुझे रिकॉर्ड करना कुछ खास पसंद नहीं है पर मैंने ट्राई किया जस्ट नॉर्मल। आज मैं अपने रूम से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरे रूम में काम चल रहा है और आपको आवाज़ साफ सुनाई दे रहा होगा। और ये सब टूट गया है तो ये नया लगेगा, ये सब फंस गया है और आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रहा था, इसलिए मैं आज अपने रूम से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। नॉर्मली मैं अपने रूम से ही करता हूँ। काम की वजह से मुझे सुबह रोज़ जल्दी उठना पड़ जा रहा है और सबसे अलग बात क्या है कि मुझे पता नहीं था कि ये कार्डबोर्ड का है। तो थाईलैंड में ऐसे ही घर बनते हैं, ये ऊपर सब कार्डबोर्ड के हैं, उसके ऊपर से बंद होता है। संडे है और मैं रेडी हो गया फुटबॉल के लिए क्योंकि टाइम हो रहा है कुछ 5:10 और मेरा दोस्त है मुझे पिक करने आएगा तो मैं उसी का वेट करता हूँ। आराम से
आपने एंटर किया और मैंने देखा मेरे रूम का हालत ही है, ये बेड पे पूरा लकड़ी पता निकाल के आ गया, ऊपर से ही आया होगा ये पूरा, ये तो मैंने दिखाया भी पहले, और ये नीचे इतना गंदा हुआ है। अब मुझे सोने में भी डर लगा कि कुछ गिर जाए और पता चला यही नीचे बैठ जाए, और मैं सोते सोते ही, तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो थाईलैंड में ये जुगाड़ से घर बनाते हैं ऐसे, ये कार्डबोर्ड से लगा देंगे फिर इसके ऊपर से बंद करेंगे। आई डोंट नो व्हाई, सीधे सीधे बंद कर ख़त्म करो। एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोग रूम का जो पार्टीशन करते हैं वो कार्डबोर्ड से ही करते हैं, लाइक ये दीवार नहीं, ये कार्डबोर्ड है, तो ये तो अच्छा है, काफ़ी रिसोर्स बचा रहे हैं, ईटा सीमेंट, काफ़ी अच्छी बात है ये। और व्लॉग को यही एंड करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।